हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की पकोड़े। मूंग दाल की पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग दाल लिया था, जिसको मैंने भिगो के 1 घंटे से पहले भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करके रख दिया है। अब हम इसको छन के ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। मूंग दाल को छन के मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लहसुन, थोड़े से अदरक, 1 हरी मिर्च। अब हम इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। मूंग दाल को मैंने तरतरा सा पीस के एक बाउल में निकाल लिया है। देखिए, कुछ इस तरह सा इसको पीस लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चावल, 2 प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ता। डाल के इसको हमें अच्छे से मिला लेंगे। पिसे हुए चावल को डालने से पकौड़े हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब हम पकौड़े बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पकौड़े को तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े को डालते हैं। पकौड़े को हमें गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको अच्छे से पकाना है। अब हम इसको पलट लेते हैं। इस तरह से इसको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर ही इसको अच्छे से फ्राई करें। पकौड़ी यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए पकौड़े यहाँ पर रेडी है। इसी प्रोसेस में हमें और पकौड़े बना लेना है। अब हम इसको पलट लेते हैं। इस तरह से इसको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर ही इसको फ्राई करें, जैसे कि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये हमारी पकौड़ी भी बनकर रेडी है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारी मूंग दाल की पकौड़ी बनकर रेडी है। इसको आप टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।